मेरे परिवारजनों, किसी भी देश किसी भी राज्य के विकास के लिए नीति और निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो नीति जनता विरोधी बनाती है और निर्णय देश विरोधी करती है। कांग्रेस की नीति आतंकियों पर नरमी की है, कांग्रेस की नीति दंगाइयों पर नरमी की है, कांग्रेस की नीति अपराधियों पर नरमी की है और कांग्रेस की नीति कट्टर भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों ने राजस्थान को अपराध में टॉप पर पहुंचाया है। कांग्रेस के इस कुशासन ने छोटी छोटी बालिकाओं तक को नहीं छोड़ा है। कोटड़ी में जो वारदात हुई उसने तो हम सभी को शर्मसार कर दिया है। और ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं है, यहां की कांग्रेस सरकार ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि बलात्कारियों को डर ही नहीं लगता। जहां का मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि राजस्थान की बहनें बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराती है, क्या कभी कोई मां बहन खुद पर इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए पुलिस थाने जाती है क्या? क्या ये राजस्थान की माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की माताओं बहनों पर गंभीर आरोप है कि नहीं है? जो मुख्यमंत्री खुद माताओं बहनों पर इतना गंभीर आरोप लगाए, मेरी माताएं बहनें, ऐसे मुख्यमंत्री को तो एक पल रहने का अधिकार नहीं है। और जहां के मंत्री विधानसभा में बलात्कारियों को क्लीन चीट देते हैं, वहां हमारी माताएं बहनें बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती है?